नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वायरा के। इस वक्त आप अपना और मेरा दोनों का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। जय माता दी जरूर लिखिए, जिससे मुझे पता चले आप अपने परिवार के साथ सही हैं। बच्चों, आज जो मैं कहानी आप लोगों के लिए लेकर आई हूं, पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि बच्चों को ये कहानी जरूर सुनाएं। सबसे पहले वो बच्चा जो बीमार था, अभी बेटर है, बहुत अच्छी हालत में तो नहीं है, बट स्थिति में थोड़ा सा सुधार है। लेकिन आप लोगों की दुआएं रहीं तो वो बच्चा और भी सही हो जाएगा। दुआओं में जरूर याद रखिएगा उस बच्चे को, और हमारी तरफ से, हमारे मंदिर में उसके लिए पूजा हो रही है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं महामृत्युंजय की पूजा, और उसके लिए बहुत ज़्यादा हम भक्ति भाव की पूजाएं करा रहे हैं। बहुत सारे लोग हवन कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने अपनी मनपसंद खाने की चीज़ों को छोड़ा है, त्याग किया है। मैंने भी कुछ छोड़ा है, क्या छोड़ा है ये रिजल्ट्स आने के बाद मैं आपसे शेयर जरूर करूंगी। लेकिन फिलहाल बात की जाए तो बजरंग बाण का पाठ भी उसके लिए किया जा रहा है, सुंदरकांड का पाठ भी उसके लिए हो रहा है। तो आप लोग सब हैं, इतनी दुआएं हैं तो जरूर वो बच्चा जल्दी ठीक हो जाएगा। बहुत समय पहले की बात है, एक आदमी ने एक चील को खरीदा। चील खरीदने के बाद उसने उसे ट्रेन किया, और उसने सोचा मैं अपना प्रोफेशन बनाऊंगा और इस चील को बड़े बड़े कॉम्पिटिशन्स में नचाऊंगा, उड़ाऊंगा, दौड़ाऊंगा, और ये कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करेगी और हम जीतेंगे, हमें अवार्ड मिलेंगे, हमें पैसा मिलेगा, चील और मेरी दोस्ती हो जाएगी। इंसानों से दोस्ती करने से मिला ही क्या है जीवन में, और जिंदगी बहुत अच्छी चलेगी। चील छोटी सी थी, उसने उसे पाला, पोसा, ट्रेनिंग दी। पहले वो नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड्स जीती चली गई, और बहुत सारे मेडल, गोल्ड मेडल उसे मिलते चले गए, और उसका बहुत ज़्यादा नाम हुआ दुनिया के अंदर, और उसको बहुत सारे अवार्ड मिले। लेकिन फिर एक दिन चील की जो दौड़ने की स्पीड थी, जो उड़ने की स्पीड थी, वो कम होती गई, वो चीज़ों में हारती चली गई। अब इस आदमी को जो मालिक था ना, समझ में नहीं आ रहा था कि चील हार क्यों रही है। वो चील के पास गया, बोला क्या तुम बुजुर्ग हो गई हो, बूढ़ी हो गई हो, या मैं खाने में कोई कमी कर रहा हूँ, या तुम किसी बात से परेशान हो, तुम आजकल कोई रेस नहीं जीत रही हो, और तुम्हारी स्पीड कम हो गई है, तुम कैसे हार रही हो। इतने में उसकी नज़र चील के पड़े हुए गले के एक लॉकेट पर गई। उसने देखा चील ने धागा डाल के गले में कुछ लटका रखा है। चील ने उसने पूछा ये क्या है, तो उसने बोला ये जितने भी मेडल मुझे मिले हैं, आज तक जितने भी मेडल मिले, मैंने उन सबको अपने गले में लाद लिया है, कहीं खो ना जाए, कहीं कोई छीन ना ले, कहीं मुझसे दूर ना हो जाए, इसलिए मैं इन्हें लेकर ही उड़ती हूँ। अब उस आदमी के दिमाग में सारी बात समझ में आ चुकी थी, क्योंकि इतना वजन लेकर जब चील दौड़ रही थी, उड़ रही थी, हवा की तरफ कॉम्पिटिशन में आगे जा रही थी, तो वजन की वजह से उसकी स्पीड कम होती जा रही थी। आप और हम भी जिंदगी में बिल्कुल ऐसा ही करते हैं ना, मेरे साथ उसने ऐसा कर दिया, मैं 7th में फेल हो गया, मैं मैथ्स में फेल हो गया, मुझे ये सब्जेक्ट अच्छा नहीं लग रहा, मेरे को बॉस ने 4 लोगों के सामने बोल दिया। हम अपना पास्ट अपने दिमाग में, अपने कंधों के ऊपर उसका बोझ रोज रख कर लेकर चलते हैं, और धीरे धीरे हमारी स्पीड कम होती जाती है। अभी के अभी डिलीट कीजिए। उस चील के गले से उन लॉकेटों को हटाया गया, और अगली कॉम्पिटिशन में जब चील जीती तो अपनी जीत और अपनी उड़ान से 2 मिनट पहले वो अपनी जगह पर पहुंच चुकी थी। एग्जैक्टली आपको भी बस यही करना है, अपनी उड़ने के अंदर वो ताकत लानी है, और वो ताकत तभी आ सकती है जब आप अपने पास्ट में क्या खो चुके हो। पास्ट को जो कंधों पर लाद रखा है ना, अपने पुराने कुछ ऐसे रिश्ते जो अब आपको भूल चुके हैं, लेकिन आप उन्हें नहीं भूल पा रहे, वो आपकी स्पीड को बढ़ने नहीं दे रहे हैं। प्लीज उन बोझों से अपने आप को मुक्त कराएं। जय माता दी।